Okay, so welcome back to the channel, guys. And yes, audio quality में please भाई compromise कर लेना यार, थोड़ा सा compromise चलता है ना. तो भाई हो क्या रहा है हमारे साथ, अभी थोड़ा सा माइक के इशू आ रहे हैं. तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे ज्यादा सर्च कर जाना वाला टॉपिक यानी कि G12 को मोबाइल में डाउनलोड करना सिखाने वाला हूँ मतलब बताने वाला हूँ. तो अब यार ऐसा है कि यार भाई बहुत मेहनत लगती है, तुम G12 को तब भी ला के डाउनलोड नहीं कर पाते अपने मोबाइल में. इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं होता, कहीं से तुम APK करने तो डाउनलोड हो वेरीफाई नहीं होता. तो आज एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, तुम बिना वेरीफाई करे अपने ऐसे मोबाइल के अंदर खेल पाओगे भाई GTA 5 बिना किसी प्रॉब्लम के. तो हाँ भाई, ये देखो मेरा मोबाइल है, इसके अंदर मैं बहुत आराम से खेल सकता हूँ GTA 5 विदाउट एनी ग्राफिक्स लैग विद क्लाउड गेमिंग. अब भाई देखो, जहाँ से सुनना क्लाउड गेमिंग क्या चीज़ है, इस पीरियड वीडियो को सबसे पहले पूरा देख लो, अब पूरा देख लो क्या जा रहा है ना. तो अब भाई क्लाउड गेमिंग क्या चीज़ है ये सबसे पहले सुनने की. तो क्लाउड गेमिंग क्या होता है कि भाई बेसिकली वो जैसे कि जो मेरा ये फ़ोन है, देखो जैसे कि ये मेरा फोन है अब मुझे इसके ऊपर गेम्स खेलने हैं, लेकिन मेरे इस फोन पे मैं चला नहीं सकता वो गेम्स जो कि मेरे PC में चलते हैं. बट मैं क्लाउड गेमिंग के थ्रू ये चीज़ बहुत आराम से कर सकता हूँ. एंड कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो कि आप लोगों को क्लाउड गेमिंग बिल्कुल अलाउ करते हैं, जो कि होने वाले भाई काफ़ी सारे ऐप्स हैं वो प्ले स्टोर पर आप बहुत आराम से सर्च कर सकते हो. तो भाई आपको होता क्या, क्लाउड गेमिंग पर समझ लो क्या होता है कि मतलब भाई मेरे फ़ोन के अंदर गेम कंपनीज के हिसाब से समझाता हूँ मैं, मेरे फ़ोन के अंदर गेम चलेगा, कंट्रोल मैं अपने फ़ोन से करने वाला हूँ गेम को, कंट्रोल उस दूर के PC को मैं यहाँ से करने वाला हूँ, PC इटली में होगा या फिर कहीं और पे PC होगा, उस कंप्यूटर को मैं कंट्रोल करने वाला हूँ विद माय दिस डिवाइस. तो इस डिवाइस से मैं कंट्रोल करूँगा सारी सारी एक्टिविटीज़ को जो भी उस PC पे होगी. अब भाई इसके अंदर होने क्या वाला है कि मतलब मैं कंट्रोल यहाँ से करूँगा दिखेगी भी सारी चीज़ें और इस पर गेम वहाँ पर चलेगा. गेम का जो प्रोसेसिंग पावर होगी, जो प्रोसेसर होगा, जो सारे एक्टिविटीज़ कंप्यूटर में मुझे इस फोन में दिखेंगे एंड उन एक्टिविटीज़ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ जो भी कंप्यूटर पे होने वाली है. तो भाई जैसे कि मैं GTA 5 इसके अंदर खेल रहा हूँ, बट मैं इसके अंदर इनडायरेक्टली नहीं खेल रहा, मैं खेल रहा हूँ वो इटली वाले इनडायरेक्टली. बिकॉज भाई ये मेरा कंट्रोलर है, लेकिन इसके अंदर मुझे सारी की सारी चीज़ें दिख रही हैं, इस कंट्रोलर में सारी चीज़ें दिख रही हैं. तो वो एक बेसिकली चीज़ होगी क्लाउड गेमिंग, यहाँ पे दिखेगा भी, मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर लूँगा, तुम्हारे मजे आ जाएंगे. बट इस चीज़ के लिए तुम्हें एक चीज़ ज़रूर करनी पड़ेगी, चैनल सब्सक्राइब कर दो. ओके, तो अब भाई क्लाउड गेमिंग के लिए बहुत सारे ऐप्स आते हैं. तो भाई सबसे पहला ऐप जो कि जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है भाई हमारा नेटमूवी. अब भाई नेटबूम के बारे में मैंने एक वीडियो डेडिकेटेड बना रखी है, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड देख लो. अब भाई क्लाउड गेमिंग जो है भाई एक बहुत सारा ऐसी चीज़ बन चुकी है कि मतलब हर एक वो प्लेटफॉर्म पे होती है. तो भाई उसके लिए अब सबसे पहला ऐप तो मैंने तुम्हें नेटबूम बता दिया, सेकेंड ऐप है भाई जेड स्ट्रीम क्लाउड गेमिंग. यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना, ये सारी चीज़ें हैं, कुछ नहीं करना, डाउनलोड करना, आपको क्यू में खड़े रहना है, सारा काम हो जाएगा. अब भाई दूसरा तीसरा आप बताता हूँ, रिमोट गेम स्ट्रीमिंग, ये भी एक बहुत तगड़ा ऐप है जिससे कि तुम कर सकते हो स्ट्रीमिंग. एंड अगला ऐप मैं तुम्हें बताऊँ तो जो कि भाई जिससे कि GTA 5 माइनक्राफ्ट PC सब चल जाएगा भाई, पीसफुल चीज़ में चल जाएंगी, MIKAMI साइड में लोगो दिख रहा होगा तुम लोगों को, योर गेमिंग लाइफ अर्ली एक्सेस. ओके, 23 MB के मतलब 30 MB से तो नीचे की सारे ऐप हैं एंड इसके ऊपर तुम क्लाउड गेमिंग कर सकते हो. बट इन ऐप्स के अंदर भाई जैसे कि मैंने तुम लोगों को नेटबूम के बारे में बताया, नेटबूम के भाई दो वर्जन हैं, मैं तुम लोगों को बताता हूँ. एक वर्जन आता है हमारा गोल्ड वर्जन,
लेट मी शो यू पीपल। अब एक बर्तन उसको आता है नेटबॉम प्ले क्राउड गेम में, ठीक है, नाम दोनों के सेम नहीं, नाम दोनों के सेम नहीं है। और एक आता है नेटबॉम, फिर एक इमोजी सा होता है रिमोट कंट्रोलर का, एंड फिर होता है प्ले पीसी गेम्स ऑन मोबाइल क्लाउड गेमिंग। तो जो गोल्ड वाला होगा भाई, तुम्हें वो लेना है, गोल्ड वाला ले सकते हो। दोनों दोनों के दोनों भाई एप्रोप्रिएट होने वाले लोगो, दोनों के लोगोस में यहाँ पे डाल रहा हूँ। एंड भाई दोनों के दोनों जो होने वाले बिल्कुल एप्रोप्रिएट होने वाले हैं तुम्हारे जो एक्टिविटीज तुम्हें करनी है उसके लिए। हाँ जी, एंड काफी सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे टॉप ले है एंड एच बी स्ट्रीम है, बट ये थोड़े कम रिलायबल ऐप्स हैं, इनको मैं रिकमेंड नहीं करता। तो जो मैंने ऐप बताए हैं पीछे जाकर देख लो, मैं भी बता देता हूँ। एंड यस, अब भाई सबसे ज़्यादा टॉप पे जो गेम वो आता है ऐप, वो आता है भाई वोर्टेक्स गेमिंग। अब ये वोर्टेक्स गेमिंग ऐप जो है भाई बहुत अर्ली, अभी अभी आया है भाई मार्केट के अंदर, इसने धूम मचा के रख दी। बिकॉज भाई एक ऐसा ऐप है ना, मतलब इसको भाई मैंने भी डाउनलोड कर दिया था, दिस इज अ वेरी गुड ऐप। बट ये जो सारे ऐप्स होते हैं भाई, ये पेड होते हैं, इनके अंदर तुम्हें पे करना पड़ता है। तो उसका सोल्यूशन अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं तुम्हारा पूरा सोल्यूशन ले आऊँगा कि कैसे तुम GTA 5 विदाउट पैसे दिए खेल पाओगे अपने मोबाइल पे। तो हाँ यार, ये सारे के सारे जो होने वाले हैं पेड होने वाले हैं, मतलब डाउनलोड तो तुम ऐसे कर लोगे लेकिन तुम इसको खेल नहीं पाओगे फ्री में, तुम्हें इसके लिए मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अगर चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ कैसे फ्री में लेने, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिख कर बताओ। तो चलो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये कुछ ऐसे ऐप्स थे जो मैंने तुम्हें बताने थे क्लाउड गेमिंग के थ्रू तुम कैसे खेल सकते हो। भाई नेटबॉम पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेकआउट कर लेना, पूरी वीडियो देख लेना। चलो तब तक ले, बाय बाय, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो सजेशन देते रहो भाई GTA 5 की बनाएंगे, जब तक तुम लोग GTA 5 खेलना सफल हो ना। तो बाय बाय भाई।